गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 8 का, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एंड उसका फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या कहता है वो हम पढ़ चुके हैं। देखो, इंक्रीज इन परसेंटेज निकालने का लिए है ये। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम कुछ क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो हम रेशो और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। रेशियो फ्रैक्शन का डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, डिक्रीज इन परसेंटेज पढ़ चुके हैं। और फिर प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पर आज की जो एक्सरसाइज है वो सिंपली रेशियो के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ही इजी सी है। रेशियो एंड परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है, इजी एक्सरसाइज है, जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो रेशियो फाइंड करना है मुझे। द स्पीड ऑफ द साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर विच इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे क्या पता करना है? रेशियो पता करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? स्पीड ऑफ साइकिल। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्कूटर कितना होता है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहे हैं? रेशो। ठीक है, तो रेशो में क्या करेंगे? रेशो भाई 15/30, विच इज इक्वल टू 1/2। तो रेशो कितना आ गया? दैट इज 1:2। ठीक है, क्या आ गया? 1:2। ठीक है, अब सिमिलरली 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर यूनिट्स का खेल आएगा। ये मीटर में है, ये किस में है? किलोमीटर में है। आइदर दिस नीड टू बी चेंज, या तो इसको किलोमीटर में करो या फिर इसको मीटर में करो। तो हम इसको मीटर में कर लेते हैं, इजी होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो मेरे पास कितना है? 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर किसने के बराबर हो जाएगा भाई? 10,000 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो रेशियो फाइंड कर लेते हैं सिंपली। रेशियो इज 5/10, विच इज इक्वल टू, कट गया 2000। तो ये हो जाएगा 1/2000 और 1:2000। ठीक है ना, सिंपल हो गया ना। चलो, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो 50 पैसा 25 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी भाई गड़बड़ कर दिया, ये पैसे दे दिए और ये रुपीज़ दे दिया। तो क्या करेंगे हम? या तो पैसे को रुपीज़ में करो या रुपीज़ को पैसे में करो। तो रुपीज़ को पैसे में करना हमारे लिए आसान है ना। तो भाई 1 रुपीज़ के अंदर बता दो कितने पैसे होते हैं? तो 100 पैसे होते हैं ना, तो सबको पता है ना भाई, 100 पैसे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो 5 रुपए के अंदर कितने पैसे हो जाएंगे भाई? 5 × 100 पैसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 पैसा। ठीक है, ये हो गया। अब रेशो फाइंड करेंगे। तो रेशो कितना हो जाएगा? 50/500, कट गया 1 0 से, विच इज इक्वल टू 1:10। तो कितना आ जाएगा? 1:10। ठीक है, इजी है ना, इजी एक्सरसाइज है देखो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, व्हाट्सएप पर पूछ लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेजेस। तो अब मुझे कुछ रेशियो दिए हुए हैं, इनको मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो देखो, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है का मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। अगर परसेंट का साइन लगाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर परसेंट का साइन हटाना है तो डिवाइड बाय 100। ये एक सिंपल सी लाइन है, बहुत ही कम शब्दों में मैंने सारी परसेंटेज आपको समझा दी है। अगर मुझे कहीं पे भी परसेंट का साइन लगाना है तो 100 मल्टीप्लाई करना है, और कहीं से भी परसेंट का साइन हटाना है तो 100 डिवाइड करना है। ठीक है, इससे आसान परसेंट कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 3/4 रेशो दे रखा है भाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको काट दो, 2 50 2 25। ठीक है,
तो भाई ये हो गया 3 × 25, 325, 25 × 3 = 75%, तो कितना हो गया भाई 75%। ऐसे ही नेक्स्ट बोल रहा है 2/3 × 100, ठीक है, तो ये तो कट नहीं रहा, अब यहाँ पर कट नहीं रहा तो भाई इसको लिख दो 200/3, और अगर इसको डिवीजन में करके लिखेंगे तो 18 6 से जाएगा, फिर कितना बचेगा 2 18 6 से जाएगा, फिर ये तो 6 6 6 6 आता ही रहेगा, तो इसको 66.6% और यू कैन राइट 66.2/3%, ठीक है, तो आइदर वे यू कैन राइट दो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला वे लिखें, ये ज़्यादा सही रहेगा आपको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो चलो इजी है, चलो तो फिर इजी है ना, तो एक मैं अपनी साइड से दे देती हूँ, यहाँ पर सी पार्ट करके लिख लो, सी जो है दैट इज बिकम योर होमवर्क, यू हैव टू कैलकुलेट इट 5/4, ठीक है, 5/4 का मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे परसेंटेज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स, ठीक है, विच इज नियरली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो मैथ्स वैसे सभी को टफ लगता है, बट मैथ्स एन इजी सब्जेक्ट, बस गलती आप लोग क्या करते हैं, मैथ्स को पढ़ने बैठ जाते हैं, मैथ्स को पढ़ते नहीं है, मैथ्स को सॉल्व करते हैं, मैथ्स को लिख कर समझा जाता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72% जो लोग हैं ना, जो बच्चे हैं, कितने में से टोटल कितने बच्चे हैं मेरे पास 25, ठीक है, तो उनको मैथ्स जो है वो अच्छा लगता है, 25 में से 72% बच्चों को मैथ्स जो है वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब परसेंटेज की बात होती है तो फुल परसेंटेज कितना होता है 100%, ठीक है, तो 100 में से 72 लोग जो हैं वो उनको मैथ्स अच्छा लगता है, पर 100 किसके बराबर है भाई, 25 स्टूडेंट के बराबर है। अब जैसे आप 8th क्लास के बच्चे हैं, तो 8th क्लास में कितने बच्चे हैं मेरे पास, टोटल 53 स्टूडेंट है, तो 53 में से 72% बच्चों को अच्छा लगता है, तो मतलब टोटल 100% अगर मैं बोलूँगी का मतलब 53 स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 100% का मतलब कितना है 25, ठीक है, और 72 जो है तो वो मुझे हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथ्स, तो मुझे जो कैलकुलेट करना है वो मेरे को 72% नहीं, जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई एम हैविंग 25, ठीक है। अब नंबर ऑफ सॉरी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ, मैथ्स तो वैसे कुछ होता नहीं, मैथमेटिक्स ही होता है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कितना हो जाएगा भाई, 100 में से 72 को माइनस कर देंगे तो ये आगे 28% ऐसे बच्चे हैं जिनको कि मैथ्स थोड़ा कम अच्छा लगता है, ठीक है, बट मैथ्स बहुत आसान है ना, ऐसे कम अच्छा लगने वाली बात मत किया करो, ठीक है। तो चलो ये जो बच्चे हैं 28% बच्चे ऐसे, अब मुझे निकालना है 28% ऑफ 25, ठीक है, ये चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये समझ में आना चाहिए। तो 28, अब परसेंट का साइन हटा रही हूँ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो गया 25, सिंपल वैल्यू है, अब कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 4 और ये कट गया 5 से, है ना, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, और 4 की टेबल से ये भी कट गया, 7 पे आ जाएगा, तो मेरे पास 7 ऐसे बच्चे हैं, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, ठीक है, 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं दे आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है मेरे पास, कह रहा है कि अ फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, ठीक है, तो जो हमारे पास है एक फुटबॉल टीम है कि इसने कितने मैच जीते हैं, 10 मैच जीते हैं,
अब तक जितने भी मैच खेले उन सब में से सिर्फ 10 ही जीत पाई है, ठीक है। इफ देयर विन परसेंटेज इज 40, अगर उनका विन परसेंटेज जो है वो 40% है, तो उन्होंने हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन्होंने टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले हैं, ठीक है। तो लिख लेते जो जो चीज़ दी है, नंबर ऑफ मैचेस वॉन, भाई जीते कितने हैं 10, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज एक्स, मान लेते हैं एक्स, ठीक है। लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस भी एक्स, ठीक है। तो अब विन परसेंटेज कितना है, विन परसेंटेज इज 40%, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 40% का साइन हटा देंगे, मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो हटा दिया तो ये हो जाएगा 4x, और ये जो 10 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 100। सो x और बाय 4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, 25। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले हैं इस फुटबॉल टीम ने भाई, टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे हैव प्लेड इज, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इज इक्वल टू 25, कितना है भाई 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कह रहा है इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75%, तो चमेली ने जो है ना, एक लड़की है भाई चमेली है, उसने क्या किया, अपने 600 रुपये उसके पास बचे हैं जिसमें से उसने 75% खाली, मतलब उसके पास कुछ पैसे थे, कुछ पैसे थे क्या मतलब एक्स पैसे थे, ठीक है, एक्स में से उसने 75% पैसे खर्च कर दिए। वो गई, लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर फंसी हुई थी, फिर बाहर जाने का मौका मिला तो उसने शॉपिंग कर ली, जूते, नए कपड़े, नई ज्वेलरी, घर का नया सारा सामान, किचन का बहुत सारा सामान उसने सब खरीद लिया और 75% अपने पैसे जो है उड़ा दिए, ठीक है। अब हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, तो बिगनिंग में जो उसके पास एक्स अमाउंट था वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो भाई अब कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो द अमाउंट लेफ्ट, ठीक है, तो लिखते हैं द अमाउंट लेफ्ट, तो लेफ्ट कितना है भाई, ₹600, ठीक है। परसेंटेज ऑफ अमाउंट लेफ्ट, परसेंटेज ऑफ अमाउंट लेफ्ट, अब भाई टोटल परसेंट कितना बताया था मैंने, 100 होता है। अब खर्च उसने कितना कर दिया, 75 कर दिया, तो माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 25% जो है वो बचेगा। तो अब उसके पास कितना बचा, 25% टोटल अमाउंट इन द बिगनिंग बी एक्स, ठीक है। तो भाई वो एक्स था, तो 25% ऑफ एक्स जो कितना हो जाएगा भाई, 600 हो जाएगा। तो ये 25% हटाया 100 इंटू ऑफ का मतलब ऑफ एक्स इंटू 600, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यहाँ ही पे काट लो इसको, ये हो जाएगा 1/4। अब इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 600 इंटू 4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दो, 24। तो कितना अमाउंट था उसके पास, 2,400 रुपये थे जिसकी उसने शॉपिंग कर ली, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर फर्दर न्यू क्वेश्चंस। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।